1886 में आज के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1897 में आज के दिन भारत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। रामप्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1921 में आज के दिन ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। आज के दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेनाओं ने जिनेवा और इटली के तुरिन क्षेत्र में बम गिराए थे। 1942 में आज के दिन अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1943 में आज के दिन ब्रिटिश सेना ने भूमध्य सागर में स्थित सिसली द्वीप के दक्षिण में स्थित एक छोटे से द्वीप पेंटेलेरिया पर हमला किया। 1944 में आज के दिन अमेरिका के 15 लड़ाकू विमानों ने मायराना द्वीप समूह में स्थित जापान के आधार शिविर पर हमला किया था। 1947 में आज के दिन अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्ण रूप से चीनी की रसद खत्म हुई थी। 1964 में आज के दिन जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के मुताबिक उनकी अस्थियों की राख को देश भर में बिखेरा गया। 1987 में आज के दिन मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। 1999 में आज के दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। साल 2006 में आज के दिन नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया। साल 2008 में आज के दिन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया।